योगी जी के राज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बचते बचाते युवक के कंधे में लगी गोली। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने की तमाम दावे करती हो, लेकिन अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस की सतर्कता के बावजूद भी अपराधियों के हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत अग्रवाल रेस्टोरेंट पर सोमवार की देर रात नामजदों ने देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी एक गोली राहुल के कंधा में जाकर लगी। गोली लगने के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल राहुल को उपचार के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अगर पीड़ित की माने तो पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। जिला अस्पताल में उपचार करा रहे पीड़ित ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। ये क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल है सर। राहुल, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये, हम खाना खाने गए थे अग्रवाल रेस्टोरेंट पर। वहाँ पे हम खाना खा रहे थे, पीछे से आते हैं तो गोलीबारी करने लग गए। एक गोली मेरे यहाँ कंधा पे लग चुकी है और बुलेट अभी फंसी हुई है इसमें। अच्छा, गोलीबारी किसने की है? ये नीरज गौतम और धीरू जाट थे। तो कोई पहले से रंजिश थी? पहले हमारी लड़ाई चल रही थी उनसे, तो उनने बल्दा लिया, जो कह रहे अगर अब बच गया तो दोबारा तुझको मारूंगा। तो इसकी पुलिस कार्रवाई की आपने? हाँ, पुलिस कार्रवाई चल रही है। क्या एक्शन ले रही है पुलिस? पुलिस एक्शन ले रही है। कितने बजे घटना हो गई है? रात के 11 बजे करीब की घटना। घटना स्थल कहाँ पर था? घटना स्थल यहाँ पे तुम्हारे अग्रवाल रेस्टोरेंट जो है। अग्रवाल रेस्टोरेंट में हुआ है घटना?